फैमिलीज के बारे में, प्रोडक्ट लेबल में, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ब्लॉक्स के बारे में बताया, अब हम बस कुछ यानी इसके अलावा कुछ फैमिलीज हैं, प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर कुछ फैमिलीज मैंने बताया इसकी डिस्क्राइब की गई है इस पीरियोडिक टेबल की। यहाँ पर चार फैमिलीज का जिक्र किया गया है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप दैट इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स, because when these metal like sodium react with water these form alkalis and hydrogen gas is released. So all these metals like sodium, potassium, rubidium, cesium, etc. These are called phosphate group and these are also known as alkali metals. Why these are called alkali? Because these form alkalis. Alkalis mean basic, which are soluble in water. Alkalis when react with water, that's why these are called alkali metals. Second group, second group or also known as alkaline earth metal. Iske do hisse hain, alkaline earth metals. जमीन का जो अर्थ क्रस्ट होता है यानी ऊपर वाले जो तह होती है वो ज्यादातर किस पर? कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्टियम पर मुश्तमिल होती है। ये ज्यादातर अर्थ क्रस्ट बनाती है यानी जमीन के ऊपर वाले तह बनाती है। बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज मेटल्स आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट and when these react with water these also form alkalis, that's why these are known as alkaline earth metal. Alkaline bhi hai, basic bhi hai aur plus ye earth crust ka hissa bhi hai, to isliye inko hum kehte hain alkaline earth metals. Clear ho gaya? Seventh A group, halogen family. बेटे जब ये मेटल जिसमें हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है, शामिल है, ये जब फर्स्ट ग्रुप यानी अल्कली मेटल से रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनाते हैं। हैलोजन फैमिली, हैलोजन मीन साल्ट फॉर्मिंग। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द seventh groups are known as halogens because these element when combined with the first group element they form salts, that's why these are known as halogen, mean salt form. Yes, clear? Okay. And fourth family is eighth A group, which is called noble gases. Okay, these are also known as inert gases. Inert gases. बच्चों ये inert gases इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका outer most shell completely filled होता है according to octet rule. Octet क्या कहता है? There should be at least 8 electrons in the valence shell.
तो एक्सेप्ट ऑफ हीलियम के ये डुप्लेक को फॉलो करता है, बाकी तमाम गैस को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो क्योंकि उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होता है इसलिए ये इनर्ट होती है, ना इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ना गेन करती है, ना शेयर करती है। इनर्ट का मतलब है नॉन रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। लेकिन इसमें कुछ ज़ीनॉन जो है ना वो फ्लोरीन के साथ मिलकर ज़ीनॉन फ्लोराइड बनाती है, तो इस वजह से कुछ सेवियर कंडीशन में ये हैलोजन फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ज़ीनॉन फ्लोराइड बनाते हैं, या फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन की मौजूदगी में ज़ीनॉन ऑक्सी फ्लोराइड भी बनाते हैं, तो इस वजह से कुछ ये कंपाउंड्स भी बनाते हैं। तो इस वजह से ये हम क्या कहते हैं नोबल गैसेस। लेकिन ये सारी की सारी ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, लेकिन चंद एक जो है वो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं वो खास कंडीशन में बनाते हैं। इस तरह से ये चार फैमिलीज का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं, अल्कली मैटर, अल्कलाइन अर्थ मैटर, हैलोजन फैमिली एंड नोबल गैसेस। ये चार फैमिलीज हैं जो हम इस पीरियोडिक टेबल में इनका क्या करते हैं, क्लियर हो गया। गुलाब्स जैसे मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पर जान फिर से बता देता हूँ, ये एस गुलाब का एलिमेंट है। मैं थोड़ा सा और बताता हूँ कि एस गुलाब क्यों कहते हैं। ये टॉप लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट या सेकेंड ग्रुप, इनको हम एस गुलाब एलिमेंट्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम किसी भी एलिमेंट के लिखते हैं ना, मतलब जैसा कि हाइड्रोजन है, जैसा कि हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड किस में करेगी, एस सबशेल में करेगी। शेल सबशेल का पता है, तो किस सबशेल में करेगी, एस सबशेल। इसका वन है एटॉमिक नंबर, इसका तीन है, इसका ग्यारह है और इसका उन्नीस है। इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वन एस वन एंड गैस बराबर एस वन। इसमें करेंगे तो वन एस टू, टू एस वन, एस में हो जाएगा। इसका करेंगे तो वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस वन एंड गैस में हो जाएगा एस वन। तो इट मीन जितने भी एलिमेंट इस ग्रुप में शामिल होंगे, चाहे वो अल्कली मेटल है या अल्कलाइन मेटल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एंड केस में करेगी एस। आगे करने की जरूरत है, ये समझ आ गई, क्लियर हो गई। एक दो में ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे इसी तरह से आपके पास बेरिलियम है, आपके पास मैग्नीशियम है, आपके पास कैल्शियम है। बेरिलियम का कितना होगा, चार, इसका बारह हो जाएगा, तो इसका बीस, एक एक बराबर देंगे, तीन से चार हो जाएगा, ग्यारह से बारह हो जाएगा और उन्नीस से बीस हो जाएगा। इसकी जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वन एस टू, टू एस टू, वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू एंड के स्कोर एस। इस वजह से वो तमाम एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस में एंड करेगी, उस ब्लॉक को हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। और ये टॉप राइट एक्सेप्ट का फिगर में पहले मैं बता चुका हूँ, एस कैसा है, बराबर यहाँ पर क्यों लिखा जाता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका ऑर्डर की वजह से। तो इसमें ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी ये सब के सब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के उसमें एंड करेगी, पी में एंड करेगी। मतलब हम चांदे की एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बोरान ले लें, कार्बन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ले लें, ठीक हो गया। तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होगा, अब बोरान का एटॉमिक नंबर फाइव हो जाएगा, सिक्स सेवन एट नाइन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p1 एंड गैस में करेंगे p में।
इसका 1s2 2s2 2p क्या आएगा, 2y। तो इट मीन यहां पर एक p में एक बढ़ता जाएगा, एंड गैस में हो रहा है p में हो रहा है। तो इसलिए तमाम एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन p में करेगी तो वो ब्लॉक कौन सा कहलाएगा, p ब्लॉक कहलाएगा। सेम इज द केस d ब्लॉक, इसको मतलब क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन किस में करेगी, d में, और इनकी किस में करेगी, f में करेगी। तो इस लिहाज से इसको हम कहते हैं s ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक एलिमेंट, f ब्लॉक। s ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। p ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द टॉप राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, d ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड f ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक। तो ये ब्लॉक समझ आ गए, ये भी पता चल गया s स्क्वायर ब्लॉक को कहते हैं, p ब्लॉक, d को d ब्लॉक हो गया। अच्छा, इसके बाद मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइज, समझ आ रही है, यहां से सारी चीजें समझ आते हैं। पीरियोडिक टेबल एक तो समझ लेते हैं यहां से। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और मैं सारा कुछ यहां से कर दूं, इसको समझते हैं बहुत आसान है। रेडियस, एटॉमिक रेडियस, जो भी आप यहां से करना चाहिए यहां से समझ लेते हैं जी। मैटर बेटे, पीरियोडिक टेबल के थ्री फोर्थ पोर्शन जो है दैट इज मैटर, और वन ओवर फोर्थ पोर्शन दैट इज नॉन मैटर प्लस मेटलाइज। एस ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, बाकी सारी की सारी क्या है, मेटल्स, ठीक। डी ब्लॉक एलिमेंट ये मेटल्स जिनको हम रोज बड़ा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ये जो सामने आपके आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, मर्क, ये सारी की सारी मेटल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक सारा के लिए मेटल पर चलता है जी। लेकिन फर्क ये है बेटा, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स और स्टेबल, यानी ये आपको आजाद हालत में नहीं मिलती, ये किसी कंपाउंड की शक्ल में मिलेगी, किसी न किसी के साथ मिल कर रहे, क्योंकि इतनी हाईली रिएक्टिव होती है, किसी न किसी के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। सोडियम मेटल को एयर में रखते आग लग जाती है, इतना रिएक्टिव, और इससे ज्यादा और ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो इस वजह से यह हाईली रिएक्टिव मेटल है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल अल्कली मेटल, फिर उससे कम क्या होता है, अल्कलाइन आता है, ओके। ये स्टेबल है, हार्ड है, जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में हमारे इस्तेमाल में आते हैं, वो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स से बना है। लेकिन इसमें कुछ मेटल्स हैं, सारी की सारी है, कुछ मेटल जो नीचे वाले इस एरिया में जाते हैं, तो कुछ यहाँ पर रेडियो एक्टिव मेटल भी शामिल हो जाती है मेटल, लेकिन वो क्या है, रेडियो एक्टिव। तो ये ज्यादातर हमारे पास ये मेटल है, हॉट मेटल है। ये जो पोर्शन है एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये भी मेटल, लेकिन इनको हम कहते हैं रेयर एक्टिव नाया, जैसे यूरेनियम टंगस्टन में से मिली ग्राम्स में जाके मिलते हैं, ग्राम्स में जाके मिलते हैं, इसलिए इनको हम रेयर एक्टिव कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आर्टिफिशियल वे से बनाया गया है इस एरिया में जो मेटल्स, बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में मेटल ऐसी हैं, एलिमेंट ऐसे हैं जिनको आर्टिफिशियल वे से बनाया, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, और ये भी मेटल। फर्क यह है कि ये हाईली रिएक्टिव, ये स्टेबल है, और ये रेयर है, आर्टिफिशियल। बाकी ये पोर्शन है पी ब्लॉक, इसका अपर पोर्शन जो है वो मेटल है,
ज्यादातर क्या है ना, इसका सेंटर पे कुछ ऐसा नीचे ये वाला मेटलॉइड्स है और नीचे फिर क्या आ जाती है मेटल संपत्ति। तो इसका तकरीबन बहुत सारा हिस्सा नॉन मेटल है, 70% 80% ये क्या होते हैं नॉन मेटल होते हैं। इसमें 10% होते हैं वो क्या होते हैं मेटलॉइड्स होते हैं और इसमें 5% तक क्या होते हैं मेटल। दैट मीन ये मोस्टली हम इस प्लेस में इस एरिया को हम कहते हैं ये नॉन मेटल पोर्शन। अब मेटल नॉन मेटल को एक तो हम यूं बयान कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का टॉप लेफ्ट साइड ये हेल इलेक्ट्रो मेटल पर मुश्तमिल है, सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ हार्ड मेटल एंड बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ रेयर मेटल। ओके जी, एंड टॉप राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल अपर साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक हो गया, मेटल और नॉन मेटल में मैं थोड़ा सा फर्क बताता जाऊंगा किस तरह से इनमें डिफरेंशिएट करते हैं। मेटल्स की तीन बातें होती ही उसको अलर्ट कर देंगे, नॉन मेटल्स की और इनके दरमियान जो आएंगे वो मेटलॉइड्स आ जाएंगे। मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड अटेन पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करती है इलेक्ट्रॉन लूज करती है, केन केन के आयनाइजेशन करती क्या होती है कम होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करती है और इन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर हो गया, तो एक प्रॉपर्टी मेटल की ये होती है कि मेटल हैव एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। दूसरी, मेटल कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि यह करंट को कंडक्ट करती है। और तीसरी प्रॉपर्टी, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू शीट एंड वायर, इससे शीट और वायर बन सकते एंड मोस्टली ये बहुत कम कॉमन जो मैं प्रॉपर्टी चौथी बता रहा हूँ वो यह है कि दे रिफ्लेक्ट द लाइट, ये लाइट को क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन पहले तीन वाली ये बहुत अहम, इसके मुकाबले में उलट हो जाए, नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन्स एंड दे आर बैड कंडक्टर ऑफ and they are not converted into sheets and wires. इनको आसानी से sheet और wire में तब्दील नहीं किया जा सकता। Clear okay? And they are bad reflector of light. और ये अमूमन जरूरी नहीं है सारी हो जाए, ये general बात नहीं कर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं matter, non matter है matter types. Matter को हम जो अमूमन current वगैरह के लिए गुजारने के लिए हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। चलो इस आज यहाँ तक अभी इसके लिए इतना था, इसके बाद हमारे पास आता है ये क्लियर हो गया, इसमें फैमिलीज के बारे में बताया, इसमें ब्लॉक्स के बारे में बताया आपको और मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में, क्लियर हो गया। तो अब इसमें मेटल्स एस ब्लॉक डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है और नॉन मेटल हमारे पास क्या है नॉन मेटल मेटलॉइड्स में हमारे पास है कौन सा ब्लॉक है पी ब्लॉक। ये हमारे पास तो ये हमारे पास एस ब्लॉक लेफ्ट साइड पर है
डी ब्लॉक सेंटर में है, और एफ ब्लॉक बॉटम ऑफ पिरामिड। और पी ब्लॉक हम टॉप राइट साइड, फैमिलीज का क्लियर होगी ये हो। इसके बाद आता है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, इसके बाद हम करेंगे एटॉमिक रेडियस। इसको मैंने यूज नहीं करना क्योंकि सारी चीज आप इसी से डिस्कस करें, ठीक है? एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस है। ये हमारे पास ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है एटॉमिक रेडियस, यहां से यहां तक का आपको प्रोडक्ट टेबल पर ले जाऊंगा और ये चीजें फिर आप लोग मुझे बताएंगे इंशाल्लाह। देखो हमारे पास एटम ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक शेल है, कुछ एटम ऐसे होंगे जिसमें दो शेल है, जो दो ऑर्बिट्स हैं, ये समझ लो ऑर्बिट शेल का पता है, किसी में तीन है चार, इट मीन जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कम होंगे तो उसका रेडियस उतना ज्यादा छोटा होगा, और जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल बढ़ते जाएंगे तो उसका एवरेज रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जितना रेडियस बढ़ेगा उससे उसका साइज बढ़ेगा, इट मीन इसका रेडियस होता है तो एटम का साइज होता है, इसका उस रेडियस उससे बड़ा है तो इसका साइज उससे बड़ा होगा, इसका साइज उससे भी बड़ा होगा। क्लियर हो गया? एटॉमिक रेडियस पर कुछ फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस, ये पहले मैं समझा दूं, फिर एक वहां पर आऊंगा और आप बताएंगे। साइज ऑफ एटम, शील्डिंग इफेक्ट,
लेकिन हमारे पास है इसको साइज ऑफ एटम या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो रेडियस भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कम होंगे तो रेडियस भी कम होगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इसको समझें। आप लोग बैठे हैं, मैं आपको आसानी से देख रहा हूँ कौन कहाँ पर क्या कर रहा है। ये बच्चा यहाँ खड़ा हो, इसके सामने खड़ा हो, मैंने मुंह में पकड़ दिया इस तरह से ऐसे कर। अब बहुत सारा एरिया ऐसा है आपका जो मुझे नजर नहीं आ रहा, इसलिए मेरी ग्रेप आपका क्या होगी, कमजोर होगी। और इसने क्या किया, आपको शील्ड किया, इसने क्या किया, शील्ड किया। कैसे शील्ड किया कि इसने, सपोज मैं न्यूक्लियस हूं, आप बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और ये सेंटर वाला इलेक्ट्रॉन है, तो सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्या कर दें, कम कर दें, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो पहले मेरे फोर्सेस स्ट्रांग थी, मजबूत थी, उस पर निगाह थी, बच्चा क्या कर रहा है। अब इसने आकर दरमियान उसको शील्ड प्रोवाइड कर दिया, हो सकता है खेले, हो सकता है तवज्जो ना दे रहा हो, तो मेरी उस पर ग्रिप क्या होगी, कमजोर होगी। और किसकी वजह से, आपकी वजह से, दरमियान वाले की वजह से। तो जब बाहर वाले और न्यूक्लियस के दरमियान कोई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, दैट इज पार्शियली। ठीक हो गया। अब देखोगे अगर ऑर्बिट एक है तो शील्डिंग इफेक्ट तो आएगी, तो सेंटर में लगेगी। जब ऑर्बिट दो हो जाएंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ गए हैं जो इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, शील्ड कर सकते हैं। इसलिए अब इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इससे क्या हो गया, बढ़ गया। और यहां पर न्यूक्लियस की जो ग्रिप इस इलेक्ट्रॉन पर है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। और इसी तरह यहां पर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, तो उसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग इफेक्ट और बढ़ेगा। और जितना शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा उतना न्यूक्लियस की ग्रिप क्या होगी, कम, उतना इलेक्ट्रॉन दूर, उतना साइज और रेडियस बढ़ जाएगा। सिंपल मैं बात करें बताइए, जो पीरियड होगा एक बार और बता दें कोई एलिमेंट किस पीरियड में है, अगर ये पता है तो आप बता सकते हो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं। थर्ड पीरियड का मतलब है उसमें टोटल ऑर्बिट्स की तादाद 3 होगी। फोर्थ पीरियड के जितने भी एलिमेंट होंगे उनके ऑर्बिट की तादाद कितनी होगी, 4। तो हर ऑर्बिट, हर पीरियड उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट। पहला पीरियड इसमें जो भी एलिमेंट है यहां से वहां तक उनके ऑर्बिट सिर्फ एक हाइड्रोजन हीलियम का सिर्फ एक होता है। इसमें इस यहां से क्या बेटा कितने हैं, दूसरा पीरियड है ना, तो इसके ऑर्बिट की तादाद कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तीसरे की 3 हो जाएगी, चौथे की 4। बस जो जो हम नीचे जाएंगे तो पीरियड बढ़ता जाएगा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी बढ़ते जाएंगे। जब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं साइज ऑफ एटम और रेडियस ऑफ एटम ग्रेजुअली इंक्रीज इन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हाई, बिकॉज़ द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्लियर हो गया। दूसरी बात यह है, यहां जब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो वो भी सपोर्ट करेगा साइज का बड़ा। तो इट मीन यहां पर शील्डिंग इफेक्ट कम, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, इसका उससे ज्यादा, तो शील्डिंग इफेक्ट आल्सो ग्रेजुअली इंक्रीज इन आवर ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, व्हिच इंडिकेट दैट द ग्रिप ऑफ द न्यूक्लियस बिकम वीकर ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, साइज ऑफ एटम आल्सो। तो इस वजह से
ग्रोथ में ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है क्योंकि उसमें ऑर्बिट्स भी बढ़ते हैं और नंबर ऑफ शेल भी। ये तो न्यूक्लियर चार्ज ऐसे भी मैं जिक्र नहीं करता, फिर कभी जिक्र करता, वो भी एक फैक्ट है उसकी वजह से भी फैक्ट पड़ता है। क्लियर हो गई। अब हम जाते हैं एटमिक ग्रुप में, जब हम जाएंगे तो इनके एटम के साइज क्या करेंगे, बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? नंबर कार्बन बढ़ते हैं, नंबर टू हम पर शेयरिंग इफेक्ट होता है। पीरियड्स में क्या होगा, पीरियड्स में क्या होगा, ये बात पीरियड्स में क्या होगा, देखो इसको समझना है, याद रखें। इस पीरियड सेकंड का मतलब यह है कि इसमें जितने भी एलिमेंट है फ्लोरीन और नियॉन का, इन कार्बन्स की तादाद कितनी होगी, दो होगी। यानी मैं यहां से शुरू हो रहा हूं, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन, यहां तक इनके कार्बन्स की तादाद कितनी रहेगी, दो रहेगी, वो नहीं बढ़ेगी। लेकिन बढ़ क्या रहा है, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, हम प्रोटॉन्स बढ़ रहे, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन नहीं बढ़ रहा तो क्या नहीं बढ़ रहा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, गुड। इट मीन अगर हमारे पास लिथियम है तो उसमें भी दो ऑर्बिट्स हैं, बेरिलियम है तो उसमें भी दो ऑर्बिट्स हैं, बोरान के बाद कार्बन है तो उसमें भी दो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स की तादाद तो फिर वो ही है, और इसमें क्या बढ़े, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितना प्रोटॉन बढ़ेंगे उतना इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे। तो प्रोटॉन बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस के पहले तो ये होता था ऑर्बिट बढ़ जाता था, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते थे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता था। अब शील्डिंग इफेक्ट सेम है, लेकिन प्रोटॉन क्या हो रहे, बढ़ रहे। तो अब प्रोटॉन का इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो पुल है, जितना प्रोटॉन बढ़ेगा उनका पुल इलेक्ट्रॉन पर उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, और जितना पुल ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना करीब होंगे, और जितना करीब होंगे साइज उतना छोटा होगा। इस बात को समझो कि पीरियड में लेफ्ट राइट जाते हुए नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज, चार न्यूक्लियस के अंदर चार प्रोटॉन ही होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है कोवेलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे, श्रिंक करेंगे, सुपरेंगे, करीब होंगे, तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यही वजह है कि इधर से इधर आते हुए हमारा साइज क्या कर रहा है, मुसलसल डिक्रीज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ना, पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज ऑफ एटम इज ग्रेजुअली डिक्रीज बिकॉज द नंबर ऑफ ऑर्बिट रिमेन्स है, सो शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ग्रेजुअली इंक्रीज व्हिच इंक्रीज द न्यूक्लियस पुल ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रॉन कम क्लोज टू द न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ द एटम बिकम्स साइज का पता चल गया, एटॉमिक रेडियस का पता चल गया, ग्रुप में बढ़ता है और पीरियड्स में कम। लास्ट ऑफ कह जाएगा इसको हम कर दें अभी, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी, ये कर लेते हैं। आयनिक रेडियस है वो भी इसी तरह का मिलता जुलता है, वो भी इसी तरह से है, लेकिन मैं थोड़ा सा फर्क बताऊँगा, बल्कि बता देता हूँ इसके बाद मसला में हो। एटम जो होता है उसके रेडियस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस, ठीक हो गया ना। और जो आयन होता है, आयन जब किसी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको क्या, आयन का जो रेडियस होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस। अब ये आयनिक रेडियस दो किस्म के हो सकते हैं, क्या है, केटायनिक रेडियस
और इनाइन प्रीवियस या रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन, रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, क्लियर हो गया? देखो तो ये एटम का जो साइज है ना वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। फर्क कहां पर पड़ता है? आयनिक रेडियस। बस अब ये सोडियम है, इसके ऊपर इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। और इसमें तीन ऑर्बिट्स होते हैं, पहले में दो, दूसरे में आठ और तीसरे में एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे होता है ना। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल गया इसमें से। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास, प्रोटॉन तो वही है लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर निकलने की वजह से अब इसके ऑर्बिट की तादाद कितनी रह जाएगी? दो। यहां पर कितनी? तीन। यानी इसका जो ये एटॉमिक रेडियस है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? आयनिक रेडियस, क्योंकि अब ये एटम ही ना क्या बन गया, आयन बन गया, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? आयनिक रेडियस कहेंगे। ओके, और ये कौन सा? केटायनिक रेडियस। और केटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, हमेशा इसका साइज, इसके साइज हमेशा क्या होता है? छोटा। क्यों छोटा होगा? दो वजूहत है बेटा, ये सब जहां से मैं आपसे सवाल करता हूं, दो वजूहत है। एक तो क्लियर हो गया कि मेरा रेड जो ऑर्बिट्स है बेटा वो यहां पर तीन है और यहां पर दो है, तो क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है ना वो क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इसने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। नंबर टू, नंबर टू ये है बेटा जी, यहां पर प्रोटॉन जी से शो करते हैं, वो कितने हैं? 11 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 11 है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, नलीफाई करते हैं। लेकिन यहां पर प्रोटॉन की तादाद तो 11 ही है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10। अब ज्यादा बोल के इसका होगा प्रोटॉन, क्योंकि क्या तो इसके जब ये ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो ये ज्यादा पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन और करीब होने की वजह से इसका साइज क्या हो जाता है? छोटा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज पॉजिटिव आयन इज फॉर्मड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर रिड्यूस्ड विच डिक्रीज इज रिलेटेड। सेकंड रीजन इज द नंबर ऑफ protons are more than the number of electrons, so the pull of nucleus is very strong on the remaining electron due to which it decreases the size of positive ions. Clear? Okay. फिर दूसरा है negative ions, chlorine है, एक electron gain करता है और किस में चला जाता है? chloride में। अच्छा वो आपने rule दिया था होगा, there should be एक electron lose करता है तो आपके rule को क्या करता है? follow करता है। अब इसके लिए दो चांसेस हैं, या हाथ गेन करे या यूज करे, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है, यूज कर जाता है। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 7। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 हो जाएगी और ये ऑक्टेट रूल को क्या करना है? फॉलो करना है। और क्लोरीन से क्या बन गया? क्लोराइड बन गया। अब इसका साइज बड़ा होगा और इसका साइज क्या होगा? छोटा। यानी पेरेंट एटम का साइज हमेशा छोटा होता है, कैसे? नेगेटिव आयन से। और पेरेंट एटम का साइज हमेशा बड़ा होता है, कैसे? पॉजिटिव आयन की तो वजह समझ आ गई। अब नेगेटिव आयन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम, क्यों? देखो बेटा यहां पर 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन है, यहां पर प्रोटॉन वही 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। न्यूक्लियस का पोल कमजोर हो गया। और दूसरा ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, पहले इलेक्ट्रॉन उसको क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, रिपल्शन की वजह से वो दूर हो जाता है,
और जब दूर होगा तो उसे उसका साइज कम हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव आइंस आर ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट्स एटम बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो देयर इज ए इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ड्यू टू सिमिलर चार्ज। देयर इज इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ड्यू टू सिमिलर चार्ज एंड ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। So the size of negative ion is larger than its parent atom. Sir ji, bas last topic. Beta, isme log? तो positive ion कब बनता है? जब electron lose होते हैं या gain? Lose होते हैं। और negative ion कब बनता है? किसको follow करते हैं? Octet rule को follow करते हैं। पॉजिटिव बनता है तो ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, नेगेटिव बनता है तो ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। फर्क यह है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे जिनका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और जिनके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई है और सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम। आयनाइजेशन एनर्जी लास्ट यही हमने टॉपिक आयनाइजेशन आप इजी हो जाएंगे। बेटा यहाँ से समझाऊंगा ये मुश्किल होगी। देखो देख जितना आपने पढ़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन आपने इसको स्टडी करना है, अगर कोई मसला हो तो पूछ लेना ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove electron from the outer most shell of an atom which is in isolated gaseous form is called its ionization energy। देखो बेटा जी ये एक हमारे पास एटम है, ये एक दूसरा एटम है, ये एक हमारे पास तीसरा एटम है, इसका ये वैलेंस शेल और क्रोमो शेल जैसे आते हैं, इसका ये है इसका ये है। तो करीब कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस की ग्रिप किस पर ज्यादा मजबूत होगी? इसी पर होगी। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या इसमें से? इसमें से आसान होगा क्योंकि न्यूक्लियस की ग्रिप कमजोर हो गई, दूर हो गया ना। जैसे जैसे बच्चा वाले की दीवार के सामने होता है तो चेक एंड बैलेंस रहता है, इधर उधर वो नहीं भटकता, जैसे दूर होता है तो फिर वो अपनी मर्जी करता है ना, तो ग्रिप कमजोर हो जाती है, निकल जाता है उसके ग्रिप से, दूर हो जाता है, वो अपनी मर्जी का काम। इसी तरह से जितना ये न्यूक्लियस के करीब होगा न्यूक्लियस की ग्रिप इस पर स्ट्रांग होगी और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और यही एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस्तेमाल होती है, जज़्ब होती है, रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स आयनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम which is an isolated gas system, that is very important। देखो बेटा हम कह रहे अभी इसको ले इसको हीट करें तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नो, ये सॉलिड है, इसको हीट करेंगे तो लेकिन लिक्विड में तब्दील हो मेल्ट होगा ना, फिर हम हीट करेंगे वो हीट कहां जाएगी? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करेगी, इवेपोरेट होगा, गैसेस में तब्दील होगा। अब गैसेस फॉर्म में जब आएगा अब जो एनर्जी देंगे वो कहां इस्तेमाल होगी? वो इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस्तेमाल होगी। समझ आ रही है? इसलिए एक चीज और, ये क्लोरीन क्लोरीन Cl2 लिखते हैं, ये तो मॉलिक्यूल है, ये आइसोलेट नहीं है, या फिर आइसोलेट एटम नहीं बना, ये मॉलिक्यूल है।
एटमी पहले जो एनर्जी देंगे वो यहां से इसको ब्रेक करेगी, अलग करेगी। बेशक ये गैस है, बेशक गैस है क्लोरीन, लेकिन क्योंकि ये कंबाइंड स्टेट में है, पहले इसकी बॉन्डिंग को क्या करेगी, ब्रेक करेगी जितने भी एनर्जी देंगे। जब ये आइसोलेट हो जाएगा एटम, अब जो एनर्जी देंगे वो इसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसलिए हम कहते हैं आइसोलेटेड गैस स्टेट। ये लफ्ज इसको हम इग्नोर कर देते हैं, बात को नहीं लिखते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके जी, बात क्लियर होगी। अब बस इसको यूं करते हैं कि जितना एलिमेंट का साइज छोटा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, वो पहले मैं थोड़ा डिस्कस कर चुका साइज के लिहाज से, लेडीज के लिहाज से, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी में एक तो इसका साइज ऑफ एटम है, शेल्डन फैक्टर, ओके, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी है, और नेचर ऑफ ऑर्बिटल, साइज छोटा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, किसके साइज ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब हमेशा बढ़ो, साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, साइज कम होगा आयनाइजेशन एनर्जी का बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट के क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, शेडिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, निकालना आसान हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द आयनाइजेशन एनर्जी। ओके जी, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, और न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी कम होगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल, एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट है तो इसका मतलब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, पी वालों की उससे कम, बी वालों की उससे कम, और एफ वालों की सबसे ज़्यादा। बस लास्ट चार्ज एक बात खत्म, एक होते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। मैग्नेशियम है ना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, इसको हम इस तरह से करते हैं कि 282 बराबर है, अब वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक हो गया। जैसे सोडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है बेटा जी, ये एनर्जी है यानी इसकी। ओके, मैग्नीशियम की पहली जो आयनाइजेशन एनर्जी है 738 किलो जूल्स पर मोल प्लस वन, यानी एक इलेक्ट्रॉन अभी निकल रहा है, 738 किलो जूल्स पर मोल ये एनर्जी है। अब मैग्नीशियम प्लस वन से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस पर कितने प्लस आ जाएंगे, पहले निकला एक इलेक्ट्रॉन फिर, ठीक है, तो ये तकरीबन 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तब यह इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिर्फ 738 है और यहाँ पर 1450 51 है, 1450 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। अब इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ फर्क क्यों है, वजह यह है बेटा
कि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रल एटम से निकालेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद क्या है बराबर है, इसलिए यहां पर ग्रेप होगी न्यूक्लियस की लेकिन कंपैरेटिवली क्या होगी कम। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहां पर प्रोटॉन बढ़ गया और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कम, तो न्यूक्लियस की ग्रेप रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर टाइट हो जाएगा। उसकी वजह से ये पहले भूखा बेचारा इसको तो पहले इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और ये से और छीनना चाहेगा तो मजहमत करेगा, पर इस वजह से इसको कम अज कम आप डबल पथ लगानी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तब यह इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यही वजह है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है बनिस्पत के इसके फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के। बस बेटा सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हाई देन द फर्स्ट आयनाइजेशन। द रीजन इज दैट when first electron is removed from the neutral atom the number of electron and proton are equal so less energy is required to remove this electron, but when second second electron is removed from uni positive ion kya matlab hai jis par already positive charge hai, but when second electron is removed from the uni positive ion the number of proton are high than the number of electron due to which the grip of nucleus is very strong on the remaining electron, removal of electron becomes very difficult, that's why second ionization energy is high than the first ionization energy। बस समझ आ गई ionization energy trend समझ में बस last इजी कोई जैसा कि मैं यहां बता चुका हूं साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सो इन अ ग्रो फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम इज ग्रेजुअली इंक्रीज बट द आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेजुअली डिक्रीज बिकॉज़ इट इज इनवर्स टू प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, बट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज़ साइज ऑफ एटम is gradually decrease in the period from left to right and ionization energy inversely proportional when size of the atom is decreased ionization energy is increased। any question kisi ne ki baat kisi ko samajh nahi jo aap chahe wo puchna chahe clear ho gaya okay hai thank you sir।